नमस्कार बच्चों, कक्षा तृतीय वर्ष और एमए के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, जैसे कि मैंने गत कालांश में बताया था कि नई कहानी के दौर में साथ ही साथ जो है कहानी आंदोलन भी चल रहे थे, उसकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। आज हम उन्हीं कहानी आंदोलनों की चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे कि वे कहानी आंदोलन कौन कौन से थे, उनके प्रवर्तक कौन थे और उसमें कौन कौन सी धाराओं ने, कौन कौन सी प्रवृत्तियों ने, विचारों ने जन्म लिया। नई कहानी का जो दौर है वो 1960 तक रहा। तत्पश्चात उस पर यौन प्रसंगों की अधिकता, क्षणवादी भोग दृष्टि, अस्तित्ववादी दर्शन और शिल्प सजगता के आरोप लगने लगे। कहानी में फिर नएपन की मांग होने लगी, फलस्वरूप अनेक आंदोलनों ने जन्म लिया। डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी ने 1960 के बाद की नई कहानी से अलग एक बात कही कि चौथे व पांचवें दशक के कहानीकार यथार्थ का सृजन करते थे, पांचवें और छठे दशक के कहानीकार यथार्थ को अव्यक्त करते थे और समकालीन कहानीकार यथार्थ को खोज रहे हैं। सातवें दशक की कहानी बदली हुई मानसिकता की कहानी है। उस काल के युवा कहानीकारों ने कहानी के परंपरागत मुहावरे को बदला है और अनुभूत सत्य को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया। इस प्रकार कहानी के क्षेत्र में जो नए आंदोलन हुए वो थे कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी और सचेतन कहानी। अकहानी के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं वो हैं ज्ञानरंजन, रविंद्रनाथ कालिया, कृष्ण बलदेव वैद, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल आदि के नाम हम ले सकते हैं। रामदर्श मिश्र ने कहा कि वस्तु के स्तर पर अकहानी ने प्राय सामाजिक संघर्षों से संबंधित विषय को ग्रहण न कर स्त्री पुरुषों के संबंधों, यौन प्रसंगों को ग्रहण किया है और मूल्य के स्तर पर उसने न केवल पहले के सारे मूल्यों का निषेध किया बल्कि साहित्य के मूल्य का भी अस्तित्व रखा, इस सत्य का निषेध कर दिया। अकहानी में विद्रोह का स्वर है किंतु यौन संदर्भों तक सीमित रहने के कारण यह विकृत हो गया है। यह कहानी का शिल्प भी बदला हुआ है, उसमें पात्रों के नाम, ग्राम का परिचय न देकर वह, मैं, तुम आदि प्रयोगों की अधिकता है। सेक्स केंद्रित होने के कारण कहानी आंदोलन दीर्घजीवी नहीं हुआ। कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम इस प्रकार हम ले सकते हैं: दूधनाथ सिंह की रीच, ज्ञान रंजन की छलांग और कृष्ण बलदेव वैद की त्रिकोण, गंगा प्रसाद विमल का विध्वंस। ये कहानियाँ अकहानी के नाम से चर्चित रही। नैतिक वर्जनाओं और निषेधों के प्रति कहानीकारों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है और इसके बाद इसी के एक और आंदोलन ने जन्म लिया। वो आंदोलन था सहज कहानी का, जिसके प्रवक्ता थे अमृत राय। उनके अनुसार सहज कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज है। बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से भी नहीं मिलता। उनका मत है कि कहानी संबंधी सभी प्रयोग इस सहज कथा रस को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। सहज की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि जो आडंबरहीन हो, उड़ा हुआ हो, वह सहज है। अमृत राय की जो सहज कहानी के प्रथम और अंतिम प्रवक्ता रहे, उन्होंने इस आंदोलन को अन्य लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया। सचेतन कहानी से जुड़े अन्य कहानीकारों में जो सर्वाधिक चर्चित नाम रहा वो था महिप सिंह जी का। उन्होंने सचेतन दृष्टि को एक गतिशील स्थिति माना जो हमारे सक्रिय जीवन बोध पर निर्भर है। सचेतन कहानीकार की दृष्टि समाज और व्यक्ति के ऊपरी संबंधों पर नहीं अपितु आंतरिक संबंधों पर भी पहुंचती है। उनके विचार से
सचेतन दृष्टि व्यक्ति परक न होकर सामाजिक है और काफी हद तक संतुलित और सामयिक है। सातवें दशक की कहानी में यह दृष्टि जिन कथाकार में दिखाई दी उनके नाम हैं महीप सिंह, वेदराही, रामदर्श मिश्र, मनोहर चौहान, रामकुमार भ्रमर, बलदेव वंशी। इनकी जो भी कहानियां हैं वो इस वर्ग में आती हैं। उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं जिन्होंने सहज कहानी सचेतन कहानी नाम दिया। वो कहानीकार हैं रामदर्श मिश्र जिनकी कहानी का नाम है सीमा। बलदेव वंशी ने कहानी लिखी जो कि सहज सचेतन कहानी के अंतर्गत आती है वो थी एक खुला आकाश। महीप सिंह ने लिखी युद्ध मन। वेदराई ने लिखी दरार। शैलेश मटियानी जी ने लिखी उसने नहीं कहा था। राम कुमार ब्रह्म ने लिखी गिरी स्तन। हिमांशु जोशी ने लिखी चीले। इस प्रकार ये कहानियाँ जो है वो सचेतन कहानी के वर्ग में आती हैं। समांतर कहानी का दौर चला इसी समय और वो समांतर कहानी थी जो है उसके श्रेय जो है वो जाता है कमलेश्वर जी को। उन्होंने अक्टूबर 1974 में सारिका नामक कहानी पत्रिका से समांतर कहानी विशेषांक नाम दिया और ये कहानी का दौर जो है 1972 से प्रारंभ हो गया। समानांतर कहानीकार अपने आप समय के समांतर सोचता और लिखता है। उसके केंद्र में आम आदमी है अर्थात समांतर कहानी आंदोलन आम आदमी की लड़ाई का पक्षधर है। यह आंदोलन जन संघर्ष के प्रति समर्पित उन रचनाकारों का है जो मात्र दृष्टा न होकर संघर्ष में भागीदार बनना चाहते हैं। यह कहानी आंदोलन राजनीति के महत्व को स्वीकारता हुए उसे सांस्कृतिक धरातल पर ले आता है। समांतर कहानी की वैचारिकता बहुत स्पष्ट है तथा उसमें भावुकता के लिए स्थान नहीं है। समांतर कहानी से जुड़े कहानीकारों में जिन कहानीकारों का नाम आता है वो हैं कमलेश्वर, इब्राहिम शरीफ, कामतानाथ, मिथिलेश्वर, निरुपमा सेवती, जितेंद्र भाटिया, मधुकर सिंह, दिनेश पालीवाल, सूर्यबाला, हिमांशु जोशी, देवकी अग्रवाल। इस प्रकार नौवें और दसवें दशक में जो कहानी आंदोलन से मुक्त हो गया था और इस काल में जो प्रमुख कहानी और कहानीकारों के नाम आते हैं उसमें हैं भीष्म साहनी जिन्होंने झुटपुटा लिखी, वीरेंद्र मेहंदीरता जिन्होंने डायलिसिस लिखी, शैलेश मटियानी जी जिन्होंने नंगा कहानी लिखी, मृदुला गर्ग जिन्होंने समागम कहानी लिखी, सूर्यबाला जिन्होंने सांझ वाली कहानी लिखी, नमिता सिंह जिन्होंने नील गाय की आँखें लिखी और ललमुनिया जिन्होंने मैत्री पुष्पा ने लिखी, मंजुल भगत ने बूंद लिखी। इस प्रकार अधिकांश जो कहानियाँ थी वे नारी मुक्ति की कहानियाँ लिखी गई। तो इस प्रकार जो कहानी का जो कहें दौर है वो प्रेमचंद पूर्व की कहानी से प्रारंभ होकर हमारे आज तक की कहानी विभिन्न आंदोलनों के साथ जो है नई नए रूप में आ रही है। आज स्त्री स्मिता, नारी मुक्ति जो है, नारी सम्मान आदि नए नए विषयों को नए नए स्वरूप में गढ़कर जो है कहानियाँ चित्रित की जा रही हैं। इस प्रकार बच्चों कहानी जो है वो समाज का दर्पण है। जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक जीवन जो है परिवर्तित होती हैं कहानी के विषय भी उतने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाते हैं। धन्यवाद।